छोटा सा लड़का हाथ में गुड़िया लिए दुकान के सामने खड़ा। मैं जैसे ही पहुंचा तो कहने लगा, अंकल देखना क्या पैसे कम हैं। और उसने छोटे छोटे नोट मेरे हाथ में थमा दिए। कितने की है बेटा गुड़िया? अंकल जी ये शॉपकीपर कह रहा है 120 रुपए की है। एक बार गिनना। और मैंने 10-10 के नोट गिने तो वास्तव में रुपए कम थे। मैंने कहा, तू गुड़िया का क्या करेगा? कहने लगा, अंकल सच बताऊं, मैं ये गुड़िया अपनी दीदी को देना चाहता हूं। वो हमें छोड़कर चली गई और पापा कहते हैं अब मम्मी उनके पास जाएगी दीदी के। मैं सोचता हूं मैं मम्मी को ये गुड़िया दे दूं ताकि वो दीदी को दे सके, वो भगवान के पास चली गई ना। और जैसे ही उसने ऐसा कहा उसके मुंह पर उदासी छा गई। कहने लगा, मैं तो ये भी चाहता हूं कि ये मेरा फोटो भी मम्मी साथ ले जाए। और उसने अपनी जेब से हंसता हुआ अपना फोटो दिखाया। मैंने तुरंत जेब में हाथ डाला और उस मासूम की नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें मिला दिए। हो सकता है बेटा कम हो, मैं फिर से गिनता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तेरी बातों में उलझ गया। और मैंने 1, 2, 3, अरे ये क्या, कितने की बता रहे हो? 120 की। ये तो फालतू पैसे हैं, 150 रुपये हैं। देखना भैया तुम कैसे कह सकते हो ये थोड़े हैं। और मैंने दुकानदार को सारे पैसे पकड़ा दिए। फिर तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, अंकल अंकल मैं एक फूल ले लूँ, मम्मी को सफ़ेद भूत फूल बहुत पसंद है, मैं मम्मी को भी ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। पापा कह रहे थे मम्मी के पास बहुत सारा समय नहीं बचा है, ये जो प्लास्टिक का फूल है ना मैं यही दे दूंगा, उन्हें सफ़ेद फूल बहुत पसंद है मुझे पता है। बच्चे ने सफ़ेद फूल उठाया और कब मेरी आंखों से ओझल हो गया मुझे ध्यान नहीं। 2-3 दिन बीत गए। सुबह सुबह अखबार में खबर छपी थी और साथ में फोटो भी था। है ये क्या, अर्थी के ऊपर सफ़ेद फूल, वही वाला फूल। नीचे लिखा था, किसी बदतमीज शराबी ट्रक ड्राइवर की वजह से एक गुड़िया और उसकी मम्मी कुचल दी गई। गुड़िया की मौत मौके पर ही हो गई और उसकी माँ 3 दिन कोमा में रहने के बाद गुजर गई। छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी की अर्थी पर फूल चढ़ाया। मेरी स्मृति में एकदम से सारी चीज़ें दोबारा से आई। मैं सोच रहा था किसी एक इंसान के नशे की वजह से, शराब की वजह से किस तरह से घर बर्बाद हो जाते हैं, किस तरह से खुशियां पल भर में जिंदगी भर के दुख में बदल जाती हैं। फिर भी हम क्यों नहीं समझते कि शराब पीकर सड़क पर गाड़ी चलाना किसी पाप से कम नहीं है। भले ही एक्सीडेंट ना हो लेकिन कितनी सारी जिंदगियों के ऊपर कितना बड़ा रिस्क लेकर हम चल पड़ते हैं, सोचने की बात है। आज हमारे पास दुनिया भर की सड़कें हैं, दुनिया भर के वाहन हो गए, पर हमारी सोच में बदलाव नहीं आया। आप देख सकते हो सड़क पर बाइक के ऊपर 2, 3 और 4 लोग बैठ जाते हैं, न कोई हेलमेट है, न कोई रूल है, न कोई रेगुलेशन है, और इस कदर वो लहरिए बनाते हुए चलते हैं कि दिल कांप उठता है। पता नहीं किस शरीफ आदमी का घर कब तबाह हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मैं नौजवानों से खास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेटा ये 4 दिन जवानी के सब में आते हैं, इन्हें संभाल कर रखो, ये ज़िंदगी काम आएगी। और किसी दूसरे का घर बर्बाद किया ना, शायद प्रभु भी माफ़ नहीं करेंगे। हमें नशे से बच कर रहना चाहिए, भले ही वो शराब का हो, गांजा हो या कोई दूसरा नशा हो। कुछ क्षण के मज़े के लिए हम किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, ये कौन सा तरीका है आनंद मनाने का? क्यों नहीं हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।